चलो नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे R32 गैस के बारे में। इसका सारा इन्फॉर्मेशन है, जो हम लोग गैस चार्ज करते हैं और एक हेल्पर है या फिर सीनियर है कोई या फिर आप टेक्नीशियन है, इनके एसी के लाइन में जब काम कर रहे हैं तो उस लाइन में आपको गैस के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। प्रेशर के बारे में हो गया, फिर उसके केमिकल के बारे में, नेम के बारे में हो गया, फिर फार्मूला के बारे में, ये सारा कुछ आपको मालूम होना चाहिए। चाहिए R32 गैस के बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग इसमें इस वीडियो में पूरा समझेंगे। यानी उसके बारे में क्या क्या चाहिए आपको जानकारी है और क्या जानकारी आपके पास नहीं है, इस वीडियो में पूरा हम लोग समझेंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक हम लोग देखेंगे और हर एक पॉइंट समझेंगे कौन सा पॉइंट क्या क्या चीज़ है। इसमें सबसे पहले दिया गया है कि R32 रेफ्रिजरेंट ऑल इन्फॉर्मेशन जो बताया है, जब हम इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको दिया गया बैक प्रेशर या फिर सेक्शन प्रेशर या फिर रनिंग प्रेशर। इससे पहले आप लोग को बताया हुआ है कि बैक प्रेशर क्या होता, बैक प्रेशर क्या होता या फिर सेक्शन प्रेशर क्या होता, रनिंग प्रेशर क्या होता। कहने का मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही है, सेक्शन प्रेशर बोलिए या फिर रनिंग प्रेशर बोलिए या फिर ये क्या कहते हैं बैक प्रेशर बोलिए। इसमें क्या चीज़ होता है कि जब चालू कंप्रेसर में और सेक्शन लाइन के जरिए जब प्रेशर आप चेक करते हैं उसे क्या बोलते हैं, कोई बैक प्रेशर बोलता है, कोई सेक्शन प्रेशर बोलता है, और कोई रनिंग प्रेशर तो कोई रिटर्निंग प्रेशर। कहने का मतलब तीनों सेम है ना, कहने का मतलब तीनों सेम है। कोई रनिंग प्रेशर बोला मतलब क्या चीज़, चालू कंप्रेसर है और सेक्शन लाइन के जरिए प्रेशर चेक किया जा रहा है, वही मेरा बैक प्रेशर है। अब पता चला कि उस सिस्टम में मेरा 32 नंबर गैस है या फिर 32 नंबर गैस हमको चार्ज करना सिस्टम है ना, या फिर पहले से गैस भरा हुआ या फिर 32 नंबर गैस हमको गैस चार्ज करना, तो उसमें कितना प्रेशर रखना चाहिए बैक प्रेशर, या फिर पहले से भरा हुआ है तो कितना प्रेशर होना चाहिए। तो ये चीज़ हमेशा प्रेशर देखिए, गैस चार्ज करने जब गैस चार्ज करते हैं प्रेशर कोई भी सही तरीका है नहीं गैस चार्ज करने के लिए। प्रेशर क्या है कि हमेशा टेम्परेचर के हिसाब से ऊपर नीचे हमेशा होते रहता। अब वही गैस है कि ठंडा दिनों में डाल दिए बहुत कम प्रेशर पर, मानिए कि नॉर्मली जैसे R32 के बारे में बतलाए हैं कि बैक प्रेशर 60 से 70, अब 60 से 70 बतलाए हैं बैक प्रेशर, अब ठंडा दिनों में गैस चार्ज किए, अगर उसका 70 अगर बैक प्रेशर छोड़ दिए तो गर्मी आएगी उसे कितना पहुँच जाएगा, कम से कम 90 के आसपास पहुँच जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, एसी बार बार बंद चालू, आप तो गैस चार्ज सही किए मगर फिर भी वहाँ पर बोझता हो गया तो टेम्परेचर बढ़ा तो वहाँ प्रेशर बढ़ा, ये चीज़ वहाँ पर गलत हो जाता है। तो टेम्परेचर के हिसाब से हमेशा क्या चाहिए होता है, प्रेशर हमेशा चेंज होते रहता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा है ना। तो यहाँ पर आपका एक एवरेज लिखवा रहे हैं कि नॉर्मली जो गर्मी के मौसम में टेम्परेचर रहता है और उसके हिसाब से जो प्रेशर बदलाना चाहिए, सब जगह आपके एरिया में अलग अलग प्रेशर बदला सकता है। आप किसी मैंने कि आप किस एरिया में काम करते हैं तो वहाँ पर आपको उसके अनुसार अलग अलग बदलाएगा, मगर जब आप काम करिएगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर कितना प्रेशर रहता है कौन सा गैस है कि नहीं। अब यहाँ पर जैसे बैक प्रेशर है, अगर 32 है तो आपको जो बैक प्रेशर कितना होना चाहिए, उसका नॉर्मली होना चाहिए आपको 120 से लेकर के 140 PSI के आसपास। अगर टेम्परेचर बाहरी हाई है तो 150 और 160 भी जा सकता, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अगर वही ठंडा के मौसम में डाल रहे तो अगर 100 PSI पर भी अगर गैस का फुल करके छोड़ते हैं तो गर्मी आएगा तो ऑटोमेटिकली वो 140 पहुँच जाएगा, क्लियर है ना, वो चीज़ पहुँच जाएगा। तो बैक प्रेशर क्या होता है समझ गए और बैक प्रेशर कितना होना चाहिए R32 का, ये भी क्लियर है। अब रखिए स्टैंडिंग प्रेशर या फिर आइडियल प्रेशर। अच्छा एक चीज़ और, बैक प्रेशर हम चेक क्यों करते हैं, क्वांटिटी के लिए, यानी कि बैक प्रेशर में ही हमको मालूम पड़ेगा गैस कम है या ज़्यादा, उसी से हमको मालूम पड़ेगा सिस्टम में मेरा गैस कम है या फिर ज़्यादा। गैस कम है तो गैस चार्ज करना पड़ेगा, लीकेज पता करना पड़ेगा। अब स्टैंडिंग प्रेशर है, स्टैंडिंग प्रेशर क्यों चेक करते हैं, स्टैंडिंग प्रेशर हम लोग इसलिए चेक करते हैं कि उसमें सिस्टम के अंदर रेफ्रिजरेंट भरा हुआ है या फिर नाइट्रोजन अदर कोई गैस। तो रेफ्रिजरेंट अगर रहेगा तो फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, हम चालू कर सकते हैं। अगर वही कोई आदमी दूसरा कोई दूसरा टेक्नीशियन गया और नाइट्रोजन भर के चला गया और हम नाइट्रोजन चेक नहीं किया और डायरेक्ट एसी चालू कर दिए, उस कंडीशन आपका एसी ब्लास्ट कर जाएगा है कि नहीं। इसीलिए आपका स्टैंडिंग प्रेशर हमेशा एसी चालू करने से पहले चेक किया जाता है, तब जाकर आप उसके बाद चालू करिएगा। तो पहले इसलिए चेक कर लीजिएगा वहाँ पर नाइट्रोजन या फिर रेफ्रिजरेंट, अगर मालूम पड़ गया रेफ्रिजरेंट है तो फिर चालू करिएगा, बैक प्रेशर चेक करिएगा, पता चला पहले से ही नाइट्रोजन भरा हुआ फिर उस कंडीशन में कभी भी चालू करना नहीं। नाइट्रोजन उड़ा करके फिर से क्या करना पड़ेगा, चालू करिए फिर उसके बाद लीकेज पता करिए उसके बाद फिर से रेफ्रिजरेंट डालिए, क्लियर है। तो उसमें स्टैंडिंग प्रेशर कितना रहेगा याद करने के लिए आपको बतलाएंगे, पहले एक डाटा बतला देते हैं। तो स्टैंडिंग प्रेशर क्या चीज़ होता है, चालू कंप्रेसर यानी कि बंद कंप्रेसर में सेक्शन लाइन के जरिए या फिर किसी भी जगह, यानी पूरा मैकेनिकल सिस्टम अगर मानिए बना हुआ है, पूरा मैकेनिकल सिस्टम अगर बना हुआ तो उसमें कहीं पर भी अगर प्रेशर चेक, जैसे सिंगल फेज में अगर काम कर रहे हैं तो प्रेशर चेक करने के लिए सेक्शन लाइन के पास ही देता है, लेकिन है ना, अगर यहाँ पर प्रेशर चेक करते हैं तो सिस्टम में सेम प्रेशर रहेगा, जो यहाँ पर प्रेशर वही दूसरी जगह प्रेशर रहेगा। तो सिस्टम का जो गैस भरा हुआ गैस, सब गैस का स्टैंडिंग प्रेशर अलग अलग होता है ना, सबका बैक प्रेशर अलग अलग होता,
तो स्टैंडिंग प्रेशर क्या चाहिए कि यहाँ पर जो है सब गैस का अलग अलग रहेगा। जब स्टैंडिंग प्रेशर बंद कंप्रेसर यानी ऑफ कंप्रेसर रहेगा और जब हम प्रेशर चेक करेंगे ऑफ कंप्रेसर में ही, तो हमारा स्टैंडिंग प्रेशर कहलाएगा। क्लियर ना? अब स्टैंडिंग प्रेशर होना कितना चाहिए था, तो याद करने के सिर्फ यही है कि जैसे कि नॉर्मली आर 22 गैस है, तो 22 गैस कितना बदला था, 60 से 70, तो इसका बैक प्रेशर था। अगर वही स्टैंडिंग प्रेशर समझाते हैं, इससे डबल कर देना, डबल यानी 120 से लेकर के 140, 150 भी जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा हाई रहेगा तब। क्लियर ना? उसी तरह इसमें भी करना, 120 से कितना चला जाएगा स्टैंडिंग प्रेशर में, 240 से लेकर के 280 के आसपास, यानी इसको नॉर्मली बोला जाता है 250 से लेकर के 300 के आसपास एक बार स्टैंडिंग प्रेशर बदलाएगा। क्लियर ना? खाली एक प्रेशर याद रखिएगा, दूसरा तीसरा ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। अब रह गया डिस्चार्ज प्रेशर। डिस्चार्ज प्रेशर कहाँ चेक किया जाता, ये आपका कंप्रेसर हो गया, ठीक है, फिल्टर, कैपिलरी, फिर आपका कूलिंग कॉइल, ठीक है ना। अब यहाँ जो निकल रहा डिस्चार्ज लाइन से निकला गैस कंडेंसर कॉइल में, कंडेंसर कॉइल के बाद क्या चाहिए यहाँ पे, फिल्टर, फिल्टर के बाद कैपिलरी, कैपिलरी के बाद फिर से कूलिंग कॉइल में और फिर से मेरा ट्रेनिंग सेक्शन लाइन के जरिए कंप्रेसर के अंदर। अब यहाँ पर जो अभी तुरंत बतलाया यहाँ पर क्या चाहिए, बैक प्रेशर। बैक प्रेशर चालू कंप्रेसर में सेक्शन लाइन के जरिए यानी कूलिंग कॉइल के जब प्रेशर चेक करेंगे हमारा क्या चीज़ कहलाएगा, बैक प्रेशर। बंद कंप्रेसर में आप जहाँ से प्रेशर चेक करना, चेक तो यहीं से करिएगा, बंद कंप्रेसर में जब प्रेशर चेक करेंगे तो स्टैंडिंग प्रेशर। अगर वही ऑन कंप्रेसर फिर से चालू कंप्रेसर में कंडेंसर कॉइल का प्रेशर जब चेक करते हैं, उसी को क्या चीज़ बोलते हैं, डिस्चार्ज प्रेशर या फिर हाई प्रेशर या फिर हेड प्रेशर, उसी को बोलेंगे। यानी कि इधर का एरिया हाई प्रेशर एरिया होता है, इधर जब प्रेशर चेक करेंगे तो वही मेरा क्या होता है, हेड प्रेशर कहलाता है। तो डिस्चार्ज लाइन से चेक किया जाता है वो भी ऑन कंप्रेसर में, तो इसका रहेगा इससे डबल डायरेक्टली इससे पहुंच जाएगा, कितना पहुंच जाएगा लेकर के, यानी 450 से 500 PSI पहुंच जाएगा। बैक प्रेशर 120 से 140, स्टैंडिंग प्रेशर उससे डबल हो जाएगा, 240 से 280 यानी 250 से 300, और उसका कितना पहुंच जाएगा, 450 से 500। क्लियर है ना? अब अगला जो है आपका केमिकल ग्रुप, ये रह गया प्रेशर के लिए। कम से कम कोई ये तो आप चेक नहीं कर पाइएगा, ये दोनों हर एक आदमी को याद रखना, ये हर एक जगह आपको पूछा जाता है, स्टैंडिंग प्रेशर कितना होता है और बैक प्रेशर कितना होता। अब अगला जो है केमिकल ग्रुप, केमिकल ग्रुप कल भी बतलाए थे आपको R22 गैस का, अब यहाँ पर आएगा R32 गैस का। R32 गैस केमिकल ग्रुप क्या होगा, HFC, कल जो बतलाए थे R22 का HCFC है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा HFC। अब इस ये भी जैसे एक ग्रुप है, इस ग्रुप में भी ढेर सारा गैस होता, ग्रुप वही ना होता है, एक ग्रुप अगर बना दिया है माने कुछ भी जी नाम दे दीजिए, ठीक है, अब जी ग्रुप है, इसके अंदर ढेर सारा चीज आ जाएगा। अब उस ग्रुप में जो ढेर सारा जब आदमी आएगा या फिर अगर गैस का ग्रुप है तो ढेर सारा गैस आएगा। अब जब गैस आएगा उसी में से एक गैस कौन सा है, 32, हाँ उसी में से एक गैस क्या है, 32, यानी कि HFC जो है एक ग्रुप है गैस का, एक समूह है, उसी में से एक गैस मेरा R32 भी आता है, और वही R32 गैस के बारे में आगे हमको पढ़ना। यानी HFC ग्रुप के मेरा क्या चाहिए, R32 गैस है, और उसका जो फार्मूला क्या चाहिए हो जाएगा, CH2F2, ये याद रखिएगा, तो इसी से आपको नाम भी कर रख लीजिएगा, है ना। अगर इसका जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, नाम करने के लिए बतलाते हैं आपको, ठीक है, जैसे इसका जब स्ट्रक्चर बनाते हैं क्या चीज़ बतला रहा है, सिंगल कार्बन ले लिए, इसका चार बॉन्ड H2, यानी कि हाइड्रोजन तो बतला रहा, चलिए हाइड्रोजन दे दिए 2, उसके बाद F2 2 फ्लोरीन लगा दिए ना, चारों बॉन्ड उसका पूरा हो गया, ये इसका क्या चीज़ हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका नाम क्या चाहिए होगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या चाहिए है, 2 फ्लोरीन है ना, तो 2 फ्लोरीन है तो क्या चीज़ हो जाएगा, 2 का क्या होता है, हाँ डाई, एफ का फ्लोरीन का फ्लोरो शॉर्ट में है ना, डाई फ्लोरो सिंगल कार्बन, डाई फ्लोरो मीथेन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वही 2 कार्बन आ जाता तब इथेन आ जाता, 3 कार्बन तो प्रोपेन आ जाता है ना, तो डाई फ्लोरो मीथेन, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया कि नहीं, ये नाम समझ आ गया, यानी कि ये ग्रुप है, उस ग्रुप के अंतर्गत ये मेरा R32 गैस है, तो R32 गैस का फार्मूला क्या चाहिए होता,
अगर ग्रुप पूछे तो आपको ये बदलाना है, एच एफ सी, फार्मूला पूछे तो सी एच टू और एफ टू, और उसका नाम पूछे यानी कि केमिकल नेम पूछे आपको डाई फ्लोरो मिथेन ये बोलना। अगर उसी का अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछे जिससे पानी रह गया एच टू ओ, ठीक है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि उबलना, जब यानी वेपर से ये लिक्विड से वेपर बदलना जिसमें चालू होता है वह मेरा क्या चीज़ होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है पानी जो है उबलना चालू हो जाता, तो वही मेरा R32 जो है ये कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलना चालू हो जाता, तो R32 जो मेरा क्या चीज़ होता है -48 से लेकर के -51 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है उबलना चालू होता है बहुत जोर, और इतना पे क्या चाहता है लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म बदल जाता। अब ये समझ इससे कि अच्छा 51 डिग्री सेल्सियस -51 दिए, अगर यहाँ पर -55 दे दें इसमें क्या होगा, और -10 डिग्री सेल्सियस दे दे तब इसके लिए कौन सा गर्मी है कौन सा ठंडा है, इसे -55 जो है क्या है कुछ ठंडा है कुछ ठंडा है, -10 जो है बहुत ज़्यादा गर्म है। इसका ये ग्राफ है बना दे रहे हैं है ना, जो कल जैसे बतलाए थे, मान लीजिए नॉर्मल है -50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, अब -50 इधर है तो इधर क्या चीज़ हो जाएगा 49 48 47, इधर 51 52 53, ये सब कैसे माइनस में रहेगा, तो यहाँ जो इधर जा रहा कुछ ठंडापन जा रहा माँ, इधर जितना भी जाएगा वो सब के सब क्या होगा, और इसके लिए गर्मी है बहुत ज़्यादा हीट है ये, और भी ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा बोलना चालू हो जाएगा, तो यहाँ पर -48 से लेकर -51 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है ये, अच्छा जैसे पानी के लिए कहते हैं हम लोग कि 100 डिग्री सेल्सियस है ना उबलना चालू होता है, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट अगर 80 डिग्री सेल्सियस उबलना चालू नहीं होता है, यानी कि एकाएक उबलता नहीं है कुछ भी एकाएक नहीं उबलता है, यानी धीरे धीरे बदलना चालू होता है, मगर जब 100 डिग्री सेल्सियस जब पूरा होता है ना पूरा पानी जब उतना गर्म हो जाता है वो एकदम पूरा जोर जोर से उड़ना पूरा पता चलेगा पूरा उड़ना चालू हो जाता, बाकी धीरे धीरे वो मेरा 80 90 70 से ही चालू हो जाता धीरे धीरे उड़ना। अब रह गया फ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील है ना, ये ज्वलनशील है या नहीं, तो ज्वलनशील है या नहीं, इसमें हाईली इसमें यानी कि बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है हाईली फ्लेमेबल यानी अधिक ज्वलनशील है ये गैस, ठीक है ना, ये गैस जो है अधिक ज्वलनशील, बस ये 6-7 पॉइंट आपको याद करना, कम से कम आपको जब काम करते फील्ड में काम करने के लिए आपको कम से कम 3-4 पॉइंट याद करना, एक बैक प्रेशर, दूसरा आपका स्टैंडिंग प्रेशर, तीसरा क्या चीज़ हो जाएगा ज्वलनशील है या नहीं ये पॉइंट, और ग्रुप चाहे फार्मूला दोनों में इसको एक याद कर लीजिएगा इतना बहुत हो जाएगा, तो 4 पॉइंट कम से कम आपको याद करना चार सारा पॉइंट याद कर लीजिए और बढ़िया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, और यहाँ क्लास करना चाहते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल पूरा तो इस तरीके से आप यहाँ पर आकर के क्लास कर सकते हैं, प्रैक्टिकल के लिए आपको और भी अलग लैब बनाया हुआ जहाँ पर आपको क्लास करवाया जाएगा, समझ में आ रहा है सभी लोगों को, चलिए ठीक।